हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और न्यू कमाल के वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे रमजान स्पेशल गिफ्ट स्टोर 50% ऑफ। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं पर्पल सीट बंडल रिटर्न, होली इवेंट फ्री रिवॉर्ड्स और भी बहुत सारे कमाल के इवेंट्स एंड अपडेट्स आज के इस वीडियो पे आप लोगों को पता चलने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इन फ्यूचर ऐसे अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो लौंडो, सबसे पहले बात लेते हैं नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए लकी व्हील इवेंट होगा। तो ये लकी व्हील इवेंट गेम के अंदर कल आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया बांग्लादेश दोनों ही सर्वर के ऊपर, जिसके अंदर आप लोगों को मिला के 500 मेन रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे और बाकी के आप लोगों घिसे पेटे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। इस लकी व्हील इवेंट के ऊपर आप लोगों को एक बंडल देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैक व्हाइट म्यू बंडल देखने को मिलेगा। और इस बंडल की खास बात ये है कि दोस्तों इसे आप लोग मेल और फीमेल दोनों पे ही इक्विप करके खेल सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को यहां पर स्ट्रीट बॉय बंडल देखने को मिलेगा, साथ ही में आप लोगों को यहां पर जासिल पैट का एक स्किन भी देखने को मिलेगा और साथ ही में आप लोगों को एक इमोट देखने को मिलेगा, ग्लोबल का स्किन देखने को मिलेगा। मतलब इस लकी व्हील इवेंट के ऊपर आप लोगों को काफी तकड़े वाले रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। इस लकी व्हील इवेंट पे से अगर आप लोग यहाँ पर सभी आइटम्स को निकालना चाहते तो अपने अकाउंट के अंदर करीब यहाँ पर 800 डायमंड के आसपास तक रखना, आप लोगों को सभी के सभी आइटम्स मिल जाएंगे। पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इस लकी व्हील इवेंट के ऊपर से किसी आइटम को निकालना पसंद करेंगे या फिर आप लोग इस पे से किसी आइटम को नहीं निकालेंगे। मेरे हिसाब से काफी अच्छा खासा ये डिस्काउंट इवेंट है, तो इसके ऊपर से आप लोग किसी ना किसी आइटम को जरूर निकालना। कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन सा आइटम निकालोगे। और साथ ही में इनक्यूबेटर की सीरीज से फेमस हुए रूबी समुराई बंडल्स भी बहुत जल्दी गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इन समुराई थीम पर बेस आप लोगों को काफी टाइम पहले एक इनक्यूबेटर देखने को मिला था, जिसमें से आप लोगों के लिए दो बंडल आप लोगों को मैजिक क्यूब सेक्शन में भी देखने को मिल चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए OB41 के अपडेट पे देखने को मिले थे। बस इस सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए चार ही बंडल बाकी हैं, जो आप लोगों को इंडिया बांग्लादेश दोनों सर्वर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि पॉसिबल ये आप लोगों को रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे, जहां पे आप लोगों के लिए चारों के चारों बंडल डाल के दे दिए जाएंगे, जो भी हमारे शुरू के चार टॉप के बंडल्स होते हैं। और बाकी के जो दो बंडल्स हो सकता है वो भी आप लोगों के लिए दोबारा से रिटर्न कर दी जाए, पर दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को फ्री मिल चुका है मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पर। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अगेन से ये वाले बंडल देखने को मिलेंगे, पर अगर इन फ्यूचर ये आते तो आप लोग अच्छे खासे डायमंड्स को लगवा कर ही आप लोग इनको निकाल पाएंगे। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग इन बंडल्स को निकालेंगे या फिर आप लोग इन बंडल्स को इग्नोर करेंगे। और उसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर वुल्फ वाले बंडल्स भी बहुत जल्दी गेम के अंदर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, पर इसको लेके मुझे अभी यहाँ पर कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ये गेम के अंदर आपको कब तक रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना पेपर अच्छे खासे जो इंक्यूबेटर के बंडल होते हैं और जिनकी डिमांड ज्यादा होती है वो कहीं ना पेपर इतनी आसानी से रिटर्न नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो ये इंक्यूबेटर के बंडल है ना वुल्फ वाले, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बंडल है, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना पेपर इतनी आसानी से गेम के अंदर इनको आप लोगों के लिए रिटर्न करेगी। पर अगर ये आएंगे तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे खासे इवेंट पे देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आप लोगों के करीब यहां पर 5000 डायमंड से भी ज्यादा लगने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग यहां पर कौन से बंडल्स का वेट कर रहे हैं। पर दोस्तों, अगर इनक्यूबेटर के बंडल में अगर कोई बंडल रिटर्न वापस आना चाहेगा तो वो होने वाले सबसे पहले यहां पर ब्लडी मून इनक्यूबेटर के बंडल और साथ ही में गोल्डन शेड के बंडल्स। पर यहां पे सबसे चांस निकल के आ रहे हैं ब्लडी मून बंडल्स रिटर्न को लेकर, जिसके अंदर आप लोगों को ब्लडी मून बंडल से रिलेटेड जितने भी बंडल्स होने वाले हैं वो सभी आप लोगों को एक ही इवेंट पे देखने को मिलेंगे। या तो कहीं ना पेपर इसका आप लोगों को स्पेशल लक रॉयल देगी या फिर दोस्तों आप लोगों के लिए एक रिंग इवेंट आएगा, जहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए एक ही रॉयल के अंदर या फिर एक ही रिंग इवेंट के ऊपर सभी के सभी बंडल्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो। ठीक है, जहां पे आप लोग अपने पसंदीदा बंडल को निकालने के लिए करीब 2000 से लेकर 3000 डायमंड तक लगाएंगे, तब जाके दोस्तों आप लोग इन बंडल्स को निकाल पाएंगे। और अगर इनका टोकन एक्सचेंज प्राइस में आप लोगों को बताऊं तो करीब आप लोगों को यहाँ पे 400 टोकन से लेके 450 या फिर 500 टोकन तक भी देखने को मिल सकता है। पर यार आप लोगों के लिए जब भी ये बंडल आएंगे ना तो बहुत सारा पैसा आप लोगों का लुटवाएंगे और साथ ही में आप लोगों के बहुत सारे डायमंड भी के जाएंगे। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग इन तीनों इनक्यूबेटर बंडल में से कौन से बंडल का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। और साथ ही में हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, पर्पल सेट बंडल कब आएगा? तो भाई लोगों, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ और एक बार अगेन से फिर बताता हूँ कि पर्पल सेट बंडल से रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रहा है। पहले गरीना पेपर ने यहाँ पर पर्पल सेट बंडल को डालने की कोशिश करी थी विंटरलैंड इवेंट के टाइम पर उस टाइम गरीना पेपर ने इसे कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों गरीना पेपर ने इसे न्यू ईयर के टाइम पर भी डालने की कोशिश करी, पर उसके बाद भी इसका अपडेट निकल चुका था सर्वर के अंदर से। और अगेन से अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है पर्पल सेट बंडल कब,
वो है होली इवेंट के आसपास। पर मुझे नहीं लगता है गरीना वीवर आप लोगों को यहाँ पर होली इवेंट के आसपास पर्पल सेट बंडल को देगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अभी काफी ज्यादा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है दिवाली इवेंट के आसपास। जब दोस्तों दिवाली इवेंट पे आप लोगों को कोई बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा, जैसे विश इवेंट हो गया या फिर लुमिनोस कार्निवल जैसा इवेंट हो गया, और भी काफी सारे इवेंट्स आएंगे जो आप लोगों को दिवाली इवेंट के टाइम देखने को मिलेंगे, तो वहीं पर आप लोगों को पर्पल सेट बंडल रिटर्न देखने को मिल सकता है। उससे पहले आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि पर्पल सेट बंडल रिटर्न में देखने को मिलेगा, तो इसलिए अभी आप लोग वेट करो। वेट के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पर्पल सेट बंडल रिटर्न को लेकर अगर मुझे कोई इन फ्यूचर अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर आके अपडेट करूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को भी ना ऑल पे सेट करके रखना। और साथ ही में एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, होली इवेंट में कौन से स्किन्स फ्री में मिलेंगे। तो भाई लोगों आप लोगों को होली इवेंट 10 मार्च या फिर 12 मार्च के आसपास इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर आप लोगों को रमजान इवेंट देखने को मिलेगा। होली इवेंट के ऊपर जो आप लोगों को फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आप लोगों को ये वाला बंडल देखने को मिलेगा। अब काफी सारे भाई लोग कहेंगे भाई ये बंडल तो बहुत ज्यादा अच्छा, क्या सच में गरीना वीवर इस बंडल को ही फ्री में देगी या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को होली इवेंट के टाइम पर ये बंडल फ्री ही मिलने वाला है। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि दिवाली इवेंट के टाइम पे गरीना वीवर ने वो राम जी वाला बंडल, बहुत ही कमाल का बंडल था, वो फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, उसी तरीके से आप लोगों को होली इवेंट के टाइम पे ये बंडल फ्री मिलेगा। साथ ही में एक इमोट फ्री मिलेगा, साथ ही में आप लोगों को कुछ और छोटे मोटे रिवॉर्ड्स भी फ्री मिलेंगे, और साथ ही में जो पहले के हमारे होली इवेंट जा चुके हैं उनकी थीम पर बेस्ड भी आप लोगों को एक स्पेशल गोल्ड रॉयल भी देखने को मिल जाएगा, जिसपे आप लोग अच्छे खासे गोल्ड को लगा के उन सभी बंडल्स को निकाल पाएंगे। और भी बहुत सारे फ्री के इवेंट्स आप लोगों को होली इवेंट के टाइम पर देखने को मिलेंगे, और वो कौन कौन से इवेंट होंगे उनके बारे में अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके लिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मुझे इन फ्यूचर इन सभी का एक्सेस मिलता है तो मैं आप लोगों को आगे जरूर अपडेट करूंगा। और साथ ही में एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, ईवो AK-47 रिटर्न को लेके। तो भाई मैं क्या ही बोलूं, इसके ऊपर मुझे कोई आईडिया नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है कि नवंबर और दिसंबर मंथ के अंदर आप लोगों को AK-47 देखने को मिली थी हमारे ईवो वॉल्ट इवेंट के ऊपर, और इन फ्यूचर भी ये आप लोगों को रिटर्न में जरूर देखने को मिलेगी, पर कब देखने को मिलेगी इसके बारे में अभी मुझे कोई आईडिया नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को AK-47 देखने को मिली थी ईवो वॉल्ट इवेंट पे। तो अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ पर ईवो AK-47 का वेट कर रहे हैं तो। और साथ ही में एक सब्सक्राइबर कमेंट है, नेक्स्ट फ्री इवेंट कौन सा आएगा। तो भाई लोगों आप लोगों को अलग अलग सर्वर के ऊपर अलग अलग फ्री इवेंट देखने को मिलेंगे। इस बार इंडियन सर्वर के ऊपर आप लोगों को होली इवेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही में यहाँ पर बीडी सर्वर और सिंगापुर सर्वर के ऊपर आप लोगों को रमदान इवेंट देखने को मिलेगा। और लोंडो अगर हम लोग यहाँ पर रमदान इवेंट की बात करें तो रमदान स्पेशल आप लोगों को दो न्यू बंडल्स गेम के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक बंडल आप लोगों के लिए बेयर की थीम पर बेस और दूसरा बंडल आप लोगों के लिए बुल की थीम पर बेस होगा, और दोनों ही बंडल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे लक रॉयल के अंदर, जिसमें से आप लोगों के लिए दो बंडल होंगे, और साथ में एक आप लोगों को साइते का स्किन देखने को मिलेगा, और भी कुछ और रिवॉर्ड्स आप लोगों को उस रॉयल के ऊपर देखने को मिलेंगे, या फिर गरीना वीवर आप लोगों के लिए कोई रिंग इवेंट भी डिजाइन कर सकता है जहां पे आप लोगों के लिए तीनों ही आइटम्स एक ही इवेंट के ऊपर डाल के दिए जाएंगे। तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये बंडल कैसे लगे। और अब काफी सारे सब्सक्राइबर या फिर काफी सारे प्लेयर्स ये भी सोच रहे होंगे, अगर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर रमदान इवेंट आएगा तो क्या रमदान स्पेशल आइटम्स हमें इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, या फिर जो हमारे इंडियन थीम पर बेस होली आइटम्स आएगा उनके जो आइटम्स होंगे क्या वो बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, चाहे इंडियन सर्वर हो या फिर बांग्लादेश सर्वर हो, दोनों के ऊपर आप लोगों को सेम इवेंट्स देखने को मिलेंगे, बस उनकी थीम चेंज कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंडियन सर्वर के ऊपर जो रिंग इवेंट आएगा वो बांग्लादेश सर्वर के ऊपर नहीं आएगा, या फिर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर जो रमदान स्पेशल लक रोल आएगा वो इंडियन सर्वर के ऊपर नहीं आएगा। दोनों ही इवेंट्स आप लोगों को सेम देखने को मिलेंगे इंडियन सर्वर के ऊपर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर, बस फर्क इतना है कि रमदान इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश और सिंगापुर सर्वर के ऊपर, और इंडियन सर्वर के ऊपर आप लोगों को होली इवेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बस अब थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैं आप लोगों को पूरा कैलेंडर दिखा दूंगा, रमदान स्पेशल भी और साथ ही में होली स्पेशल भी। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग दोनों इवेंट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और साथ ही में अब बात कर लेते हैं रमदान स्पेशल गिफ्ट स्टोर 50% ऑफ के बारे में। काफी सारे लोग आप लोगों को यहाँ पर मीना सर्वर के ऊपर जो आया हुआ है 50% ऑफ का बैनर दिखा देंगे और बोल देंगे कि इंडियन सर्वर के ऊपर भी आप लोगों को 50% का ऑफ देखने को मिलेगा, या फिर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर आप लोगों को 50% का ऑफ देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं इंडियन सर्वर के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, फिर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, पर फर्क इतना है कि आप लोगों को पूरे स्टोर सेक्शन के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि दोस्तों आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के ऊपर अलग अलग ऑफ देखने को मिलेंगे। 50% का ऑफ तो भाई इंडिया और बांग्लादेश सर्वर वाले बंदे भूल जाओ कि तुम लोगों को देखने को मिलेगा, इंडियन सर्वर के ऊपर या फिर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 30% तक का ऑफ देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा आप
लोगों को इंडिया या फिर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर आप लोगों को रमदान स्पेशल देखने को मिलेगा और इंडियन सर्वर के ऊपर आप लोगों को होली स्पेशल देखने को मिलेगा। पर इसको लेके अभी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि इंडियन सर्वर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं, या फिर बांग्लादेश सर्वर के ऊपर मिलेगा। बस अभी इन फ्यूचर आप लोग वेट करके रखो, अगर अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, पर अभी कोई भी अपडेट नहीं यहाँ पर गिफ्ट स्टोर के ऊपर 50% ऑफ को लेके। और साथ ही में एक सब्सक्राइबर का कमेंट है मई मंथ के बुया पास के बारे में जानने के लिए। तो भाई अभी OB43 का अपडेट चल रहा है और OB43 अपडेट के ऊपर आप लोगों को सिर्फ अप्रैल मंथ के बुया पास तक के बारे में बताया गया है। तो भाई लोगों आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि OB44 का अपडेट आप लोगों को अप्रैल मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। पर एडवांस सर्वर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 25 मार्च के आसपास तक। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नेक्स्ट मंथ का बुया पास किस टाइप का होने वाला, क्या थीम होगी, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ना ऑल पे सेट करके रखना। और साथ ही में एक सब्सक्राइबर का और कमेंट है और ये थोड़ा सा फनी कमेंट है, व्हाट इज लोंडो, मतलब जो मैं अपने वीडियो के अंदर लोंडो बोलता हूं उसका मतलब क्या होता है। जो लोग यहाँ पर हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर यूपी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है कि लोंडो का मतलब क्या होता है। जो लड़के होते हैं उनको हम यहाँ पर लोंडो बोलते हैं या फिर कुछ अजीब अजीब से बहुत सारे वर्ड्स निकल जाते हैं यार, जो मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से है, पर यार थोड़े से फनी वर्ड होते हैं। तो कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को हरियाणा का सबसे फनी वर्ड कौन सा लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। होप आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को सभी अपडेट्स पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इन फ्यूचर ऐसे अपडेट और जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना। और अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई अपडेट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, जाइए अपने कमेंट को लिखिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके कमेंट को जरूर पिक करूंगा। और अगर तुम लोग जानना चाहते हो मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना। और अगर तुम लोग जानना चाहते हो लकी व्हील इवेंट, कोबरा बंडल रिटर्न, MP40 रिटर्न, तो भाई राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना। दोनों ही वीडियो के अंदर आप लोग को भरपूर अपडेट्स मिलने वाली है। तो दोस्तों अब मिलते हमारी नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।